नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर वन शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले आज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बताएंगे इस्तीफे के इनसाइड स्टोरीज के अलावा बात करेंगे गुजरात ने में सीएम का चेहरा अब कौन होगा। लेकिन शंखनाद की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुजरात में कल सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सभी विधायकों को गांधीनगर बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नए सीएम के नाम पर मोहर लगने वाली है। इस बीच मनसुख मांडविया आज अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर पहुंचे। नए सीएम की रेस में मांडविया सहित 5 नाम चर्चा में हैं। सभी बीजेपी विधायकों को गांधीनगर बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा नाम होगा जिसके ऊपर मोहर लग जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। बैठक के बाद सीएम के नाम पर हो सकता है ऐलान। अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। नए सीएम की रेस में मांडविया सहित 5 नामों की चर्चा है। पांच नाम चर्चा में है। अब बात उन चेहरों की कर लेते हैं जिसे गुजरात की ये अहम जिम्मेदारी, सूबे की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये तमाम वो नाम हैं। नितिन पटेल जो कि डिप्टी सीएम है, हाल ही में उनका एक बयान सामने आया था, आप सबने सुना होगा, जो उन्होंने कहा था कि हिंदू जब तक बहुसंख्यक इस देश में तभी तक संविधान सुरक्षित। उसके बाद मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपको बताते चले कि इन्हें अभी हाल ही में प्रमोट किया गया था, राज्य मंत्री के तौर पर थे वो, लेकिन बाद में उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया और उसके बाद इनका कद बढ़ा दिया गया। 49 साल के हैं मनसुख मांडविया। गोवर्धन झड़पिया का नाम आप देख पा रहे हैं। 2002 में गृह राज्य मंत्री के तौर पर अहम जिम्मेदारी इनके पास थी। करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के। सीआर पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी गुजरात के, सीआर पाटिल जिनकी उम्र 65 साल है, लगातार बड़े मार्जिन से, हालांकि ये गैर पाटीदार हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या सीआर पाटिल के चेहरे पर मोहर लगा दी जाएगी। प्रफुल्ल पटेल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम पर भी इस वक्त चर्चा चल रही है। अब कल ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री गुजरात का। गुजरात में विजय रूपाणी की विदाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सूबे का नया सीएम होगा कौन। गुजरात जैसे अहम प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विजय की जिम्मेदारी किस नेता को मिलेगी और क्या नया चेहरा बीजेपी में बदलाव की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कुछ नेताओं के नामों पर भी चर्चा चल रही है। सबसे पहले बात उन चेहरों की जो गुजरात के सीएम पद की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम डिप्टी सीएम नितिन पटेल का है। डिप्टी सीएम नितिन पटेल सूबे के बड़े पटेल नेता हैं। उत्तर गुजरात के पटेल समुदाय पर नितिन पटेल की मजबूत पकड़ है। पिछली बार आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद भी सीएम पद के लिए वो चर्चा में थे। ऐसे में चर्चा है कि विजय रूपाणी के एकाएक इस्तीफे के बाद नितिन पटेल की किस्मत खुल सकती है। मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का है। सौराष्ट्र क्षेत्र से आने वाले मंडाविया मोदी कैबिनेट के युवा चेहरे हैं। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। 2016 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2012 और 2018 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 28 साल की उम्र में विधायक बने। 2002 में सबसे कम उम्र के विधायक बने। सौराष्ट्र के भावनगर से आते हैं मंडाविया। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या केंद्रीय मंत्री को एक बार फिर गुजरात भेजा जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मंडाविया को कैबिनेट विस्तार के दौरान गुजरात से दिल्ली भेजकर स्वास्थ्य विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये जिम्मेदारी उस वक्त सौंपी गई है जब देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर था। इस दौड़ में तीसरा नाम गोवर्धन झड़ाफिया का है। 2002 दंगों के वक्त गृह राज्य मंत्री थे। पहली बार 1995 में विधायक बने। 2007 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया। 2014 में फिर बीजेपी में शामिल हुए। कभी पीएम मोदी के विरोधी रहे। इसके अलावा बीजेपी के पास एक विकल्प सीआर पाटिल, जो कि इस वक्त गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीआर पाटिल को पीएम मोदी का सबसे करीबी भी माना जाता है। इन सब के बीच एक बड़ी समस्या जातीय समीकरण है, जिसे साधने में विजय रूपाणी पूरी तरह से असफल रहे। रूपाणी जैन बनिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी गुजरात की आबादी में हिस्सेदारी 5% है। 2016 में रूपाणी को न्यूट्रल कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ाया गया था। रूपाणी से पाटीदार आंदोलन का गढ़ रहे सौराष्ट्र में अपना दबदबा बढ़ाने की उम्मीद की गई थी, लेकिन बीजेपी का यह दांव खास नहीं चला और 2017 चुनाव में सीटें 2 अंकों पर आ गईं।
जिसे बैलेंस करने के लिए बीजेपी ने पाटीदार नेता मंडाविया को केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम पद दिया। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार कुर्सी पर कोई पाटीदार नेता बैठ सकता है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक। गुजरात के लिए किसकी होगी ताजपोशी, किसका होगा राज तिलक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे रुख करेंगे अहमदाबाद का, गोपी घांगर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोपी, अब चूंकि विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सभी की नजरें इसी बात पर है कि कौन कौन पहुंच रहा है बीजेपी दफ्तर, कौन ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है और कौन ज्यादा दुखी। आप वहां पर मौजूद हैं, आंखों देखा हाल बताइए, सबसे आत्मविश्वास से लबरेज कौन सा नेता है वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, अभी अभी डिप्टी सीएम नितिन पटेल यहां से निकले और नितिन पटेल का जो विश्वास था, जो आत्मविश्वास था, वो काफी ज्यादा हमें दिखा है। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में इससे पहले भी जब आनंदीबेन पटेल को हटाया गया था तब नितिन पटेल के नाम की चर्चा हुई थी और नितिन पटेल, ये माना जा रहा था कि नितिन पटेल ही शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन अचानक नाम बदल गया। अब बीजेपी दफ्तर पे जो यहाँ पे नेता इकट्ठे हुए थे, चाहे वो मनसुख मांडविया हो या फिर वी सतीश हो या भूपेंद्र यादव जो कि गुजरात के प्रभारी हो, वो सारे अब एक के बाद एक यहाँ से निकल चुके हैं। कल सुबह विधायक दल की मीटिंग मिलेगी और विधायक दल की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कौन होगा जिसे गुजरात की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि पाटीदार चेहरा अगर पसंद करते हैं, क्योंकि पाटीदार लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि पाटीदार मुख्यमंत्री ही बने, और एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है सीआर पाटिल का नाम, जो कि खुद बीजेपी के अध्यक्ष है, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में संगठन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, यहाँ तक कि जो अगर स्थानीय निकाय के चुनाव की बात की जाए तो स्थानीय निकायों में भी काफी अच्छी जीत हासिल उन्होंने की है। लेकिन उनके खुद के इलाके में यानी सूरत के अंदर जो आम आदमी पार्टी है वो कॉर्पोरेशन के चुनाव में 27 सीट जीत गई थी, तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो खुद के इलाके में पकड़ को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो पाटीदारों का जो चेहरा है, पाटीदार ही होगा इस तरीके की जो बीजेपी के अंदर जो बातचीत है। बीजेपी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है वो यही मिली है कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल को ही प्रमोशन दिया जाए और नितिन पटेल को ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करवाया जाए, साथ ही गुजरात में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हो सकता है कि वो गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा जो कि उनके बाद सीनियोरिटी में आते हैं, तो उनको डिप्टी सीएम के तौर पर उनके नाम की चर्चा भी हो रही है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कौन होगा जिसके चेहरे के बेस पर बीजेपी 2022 के चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के साथ गोपी, अब अगला सवाल ये खड़ा होता है, देखिए गांधीनगर में सभी विधायकों को बुलाया गया है, सबसे उनकी राय ली जाएगी, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि केंद्र से जो नाम तय कर दिए जाएंगे उसी नाम पर क्या मुहर लगाई जाएगी, और ये जो विधायक दल की बैठक होगी वो औपचारिक बस होगी या वास्तव में अभी सबसे राय ली जाएगी कि बताइए मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए और उसके तहत बीजेपी फिर आगे बढ़ेगी? देखिए, बीजेपी में अक्सर हमने देखा है कि कहीं पर भी ये विधायक दल की मीटिंग होती है, जो यहाँ पे ऑब्जर्वर आते हैं, ये ऑब्जर्वर विधायकों से बातचीत जरूर करते हैं, कुछ नाम भी लेकर सेंट्रल में जाते हैं, लेकिन जो नाम आखिरी होता है उस पे मोहर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है, क्योंकि ये उनका गृह राज्य है और इस गृह राज्य को लेकर ये दोनों ही किसी भी तरीके का कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव है, 27 साल की एंटी कम बंसी और इसी गुजरात को विकास मॉडल बनाकर जब केंद्र में काबिज हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अब गुजरात को लेकर वो किसी भी तरीके की ढील नहीं बरतना चाहते। शायद यही वजह है कि जो विजय रूपाणी जिनका एक्सेप्टेंस नहीं था लोगों के अंदर, उनको आज हटा दिया गया, अब नए नाम की चर्चा हो रही है और नया नाम ऐसा आएगा जो चेहरा लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस के लिए तैयार होगा, यानी लोग उनको स्वीकारेंगे, क्योंकि हर बार ये जो चेहरा होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, लेकिन 27 साल की एंटी इनकम बंसी को भी नजर में रखना होगा और 150+ सीट का बीजेपी ने टारगेट रखा है, तो वैसे में एक चेहरा गुजरात के अंदर 99 पर 2017 में जो पार्टी सिमटी हो वो 150+ के नारे को लेकर आगे चल रही है गुजरात में, लेकिन क्या किसी नए चेहरे के बदौलत वो इस टारगेट को अचीव कर पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। गोपी हमारे साथ बनी हुई है, अपने इस्तीफे से 4 घंटे पहले विजय रूपाणी अहमदाबाद के सरदार धाम भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़कर पीएम मोदी ने इस भवन का उद्घाटन किया। जब यह कार्यक्रम चल रहा था तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद विजय रूपाणी को अपनी गद्दी गंवानी पड़ेगी।
तो क्या विजय रूपाणी की विदाई की पटकथा पहले ही लिख गई थी? आपको वो वजह बताते हैं जिसके चलते विजय रूपाणी गुजरात में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं, ये हमारी पार्टी की विशेषता है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जवाब जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। अचानक गुजरात के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी ने सीएम पद की जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और नई भूमिका के लिए अपने आप को तैयार बताया और खुद को साधारण कार्यकर्ता बताकर गुजरात में उठी सियासी हलचल को कम करने की कोशिश की। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा तथा हम सब एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए नेतृत्व के साथ आगे अवश्य लेकर जाएंगे। अपने इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बात साफ नहीं हो पाई वो ये कि आखिरकार एकाएक गुजरात के सीएम का इस्तीफा हुआ तो क्यों? वो क्या वजह थी कि चुनाव से ठीक 1 साल पहले गुजरात के सीएम को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी? इस्तीफे की वजहों पर चर्चा से पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर अहमदाबाद में सरदार पटेल धाम के उद्घाटन की है जिसमें खुद पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, सीएम विजय रूपाणी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर करीब 4 घंटे बाद की है जहां विजय रूपाणी पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल के पास पहुंचे। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जवाब जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। अब आप उन वजहों को जानिए जो गुजरात के मुख्यमंत्री के अचानक इस्तीफे का कारण बनी। दरअसल बीते कुछ दिनों से गुजरात सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी। चर्चा इस बात की भी है कि कुछ मंत्रियों ने विजय रूपाणी के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके साथ कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गुजरात में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे थे। यहां तक कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी कोरोना वायरस से निपटने में कमी को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। बताया जा रहा है कि महामारी के दौरान लोगों को हुई दिक्कतों के चलते विजय रूपाणी को लेकर नाराजगी बढ़ गई थी और बीजेपी के कई नेता इस नाराजगी के साथ अगले चुनाव में विजय रूपाणी को चेहरा बनाने के पक्ष में नहीं थे। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। हालांकि गुजरात से आने वाले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला नाराजगी के बजाय इस नेतृत्व परिवर्तन का प्रयोग बता रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर कर सके। कोई घटना नहीं है, विजय भाई ने भी 5 साल तक ये सीएम पद का जिम्मा निर्वहन किया है। 5 साल तक का टेन्योर ये कोई छोटा टेन्योर इसमें नहीं मानना चाहिए। और जैसे विजय भाई को एक नए नेतृत्व के रूप में पार्टी ने पसंद करके प्रयोग किए थे, ऐसे ही पार्टी और नए नेतृत्व के बारे में सोचती होंगी और सोचा होगा। जिस तरह साल 2016 में चुनाव के साल भर पहले अचानक विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद की गद्दी मिली थी, ठीक वैसे ही उन्हें अब गद्दी छोड़नी भी पड़ी है।
2017 में विजय रूपाणी दोबारा सीएम बने थे, तब भी कई और नामों पर चर्चा थी। अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक। गुजरात में विजय रूपाणी का हटाने का दांव बीजेपी ने खेल दिया है। इसकी एक बड़ी वजह जातीय समीकरण भी है। गुजरात में पाटीदार नेताओं का बोलबाला है और रूपाणी इस समाज में नहीं आते, जिसका असर पिछले चुनाव में भी दिखा था। 2012 के चुनाव में जहां बीजेपी ने 115 सीटें मोदी के नेतृत्व में हासिल की थी, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 100 के नीचे पहुंच गया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसके बाद रूपाणी के सीएम ना बनने की अटकलें तेज हो गई थी। कुल मिलाकर ये स्थिति अपने आप में 2017-2012 का आप बड़ा अंतर देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी। क्या विजय रूपाणी को पद से हटाना एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश है, या ये गुजरात की वही सियासी परंपरा है जिसके तहत अब तक नरेंद्र मोदी को छोड़कर बीजेपी का कोई भी सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। यूपी बीजेपी ने बीते 6 महीनों में अलग अलग सूबे में 5 मुख्यमंत्री बदले हैं, यानी नेतृत्व में बदलाव के जरिए बीजेपी अपने विजय अभियान को आगे ले जाने में और उसकी तैयारी में जुटी हुई है। गुजरात में विजय रूपाणी की अचानक विदाई सभी को चौंकाने वाली रही। रूपाणी के पद छोड़ते ही इस्तीफे की वजहों और नए चेहरों की अटकलों ने जोर पकड़ लिया और सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन वाले उस फॉर्मूले की शुरू हो गई, जिसके चलते हाल ही में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की सबसे ज्यादा उठापटक उत्तराखंड में देखने को मिली, जहां प्रदेश की जनता ने एक साल के भीतर 3 सीएम देख लिए। मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन तीरथ सिंह रावत बमुश्किल 4 महीने ही सीएम की कुर्सी पर रह पाए। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। उधर दक्षिण में बीजेपी के ऐसे ही बदलाव के चलते येदियुरप्पा को कुर्सी गंवानी पड़ी। कर्नाटक में काफी समय से नेतृत्व में बदलाव की चर्चा थी और कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर येदियुरप्पा को अपना पद छोड़ना पड़ा। असम में भी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा बदलकर हेमंत बिस्वा सरमा को कमान सौंप दी थी और अब विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद 1 साल के भीतर ही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के 5 चेहरे बदल चुके हैं। इस उठापटक के बीच यूपी में भी सीएम पद पर बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बाद में बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही पार्टी मिशन यूपी के लिए मैदान में उतरेगी। हालांकि गुजरात के सियासी गणित को देखें तो 1995 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी के अलावा यहां बीजेपी का कोई भी सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन पटेल को गुजरात की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अगस्त 2016 में उम्र को आधार बताकर उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1995 में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई तो केशुभाई पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने। महज 221 दिन बाद ही उनकी जगह सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 1998 में बीजेपी फिर सत्ता में आई और फिर केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भी केशुभाई पटेल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 2002 के चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने उनकी जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। गुजरात में चुनाव से ठीक 1 साल पहले बीजेपी ने फिर बदलाव का दांव चला है और इस दांव से उसकी तैयारी फिर गुजरात विजय की है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। वैसे गुजरात में सीएम की कुर्सी का कार्यकाल पूरा करना बीजेपी नेताओं के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गुजरात के इकलौते ऐसे सीएम रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की ओर से अपना कार्यकाल पूरा किया है, जबकि 1995 से लेकर अब तक बीजेपी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है।
नरेंद्र मोदी साल 2001 से 2014 तक रहे, जबकि शुरुआत अगर करें बीजेपी की पहली सरकार 1995 में बनी थी। केशव भाई पटेल मार्च 1995 से अक्टूबर 1995 तक रहे, उसके बाद सुरेश मेहता को अक्टूबर 95 से सितंबर 96 तक जिम्मेदारी दी गई। केशव भाई पटेल दोबारा से मार्च 1999 से अक्टूबर 2001 तक मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद केशव भाई पटेल को हटाकर फिर नरेंद्र मोदी को दिल्ली से भेजा गया था गुजरात। हालांकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उस वक्त के मुख्यमंत्री जिन्होंने 14 सालों तक वहां पर लंबा शासन किया, और उसके बाद जब वो केंद्र में आ गए तो आनंदीबेन पटेल को मई 2014 से अगस्त 2016 तक उन्हें कमान दी गई, लेकिन फिर उनको हटा दिया गया। विजय रूपाणी को लेकर आया गया, अगस्त 2016 से लेकर आज की तारीख तक वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन दोपहर के बाद उनका इस्तीफा हो गया। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का ऐसा कोई भी चेहरा वहां पर नहीं रहा है नरेंद्र मोदी को छोड़कर जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अब सवाल यह है कि आगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी होगी ताजपोशी, किसका होगा राज तिलक गुजरात में, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बारिश से लथपथ दिल्ली का पानीपत। शाम के 7:30 बजने को है, शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब बात बारिश से लथपथ दिल्ली के पानीपत की। दिल्ली एक बार फिर से पानी पानी हो गई है, चंद घंटों की बारिश में पूरी दिल्ली डूब गई है। अंडरपास में पानी भर गया, एयरपोर्ट तालाब में तब्दील हो गया, सड़कों पर लंबा लंबा जाम। इन सबके बीच दिल्ली में बारिश में सियासी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां कोई पानी में नाव चलाता दिखा तो कोई डुबकी लगाता हुआ दिखा। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के चलते पूरी दिल्ली जलमग्न हो चुकी है। हमने देखे ट्रैफिक जाम की क्या व्यवस्था है, पैदल निकलने की भी व्यवस्था नहीं है। रिक्शा ले जाने आने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, पानी में हर बार डूब जाते हैं। कुछ ही घंटे की बारिश और देश की राजधानी दिल्ली मानिए जैसे थम सी गई हो। ये दिल्ली नहीं दरिया है। बारिश होती है डूब जाती है, हर साल डूबती है, हर रोज की बारिश में डूबती है। दावे डूब जाते हैं, वादे डूब जाते हैं, नजर आती है तो सिर्फ बदहाली की तस्वीरें। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं, अंडरपास तालाब में तब्दील हो जाता है, गाड़ियों की रफ्तार कतार में तब्दील हो जाती है, लोग लाचार नजर आते हैं, गुस्साते हैं, कोसते हैं, लेकिन दिल्ली के हालात नहीं बदलते। नहीं बदलती ये तस्वीर, नहीं बदलता दिल्ली का ये सिस्टम। क्या एयरपोर्ट, क्या साउथ एक्स, क्या धौला कुआं, क्या पुरानी दिल्ली, हर तरफ बारिश दिल्ली को पानी पानी कर देती है। देखिए इस तस्वीर को, ये दिल्ली का एयरपोर्ट है जो एडवांस होने का दावा करता है, खुद को दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट बताता है, लेकिन आज वो भी पानी पानी है। रनवे से लेकर कॉरिडोर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। बारिश ने एयरपोर्ट पर ऐसा ग्रहण लगाया कि पूरा फ्लाइट ऑपरेशन चरमरा गया। कई उड़ानों को जयपुर और अहमदाबाद के लिए डायवर्ट करना पड़ा। और सिर्फ रनवे पर ही तालाब बना ऐसा नहीं है, जरा एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की लॉबी पर नजर दौड़ाइए, यहाँ भी छोटा मोटा तालाब बन गया है। हर तरफ लबालब पानी लहरा रहा है, मुसाफिरों के सामान की एक ट्रॉली बीच पानी में खड़ी दिख रही है। कुछ हैरान परेशान मुसाफिर भी दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने ऐसे हालात की कल्पना तक नहीं की थी। अब देखिए दिल्ली के अंडरपास की तस्वीर। तस्वीर कोई नई नहीं है, हर बार यहाँ पानी भरता है, हर बार यहाँ बसें फंसती हैं, और हर बार यात्रियों को जान जोखिम में डालकर निकाला जाता है। ये तस्वीरें पालम फ्लाईओवर की हैं, बस लबालब पानी में फंस गई है। बाद में फायर टेंडर की दो गाड़ियों ने लोगों को रेस्क्यू किया। दिल्ली में पानी भरा तो सियासी तस्वीर भी सामने आने लगी। बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा नाव लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल गए और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस सीजन में मेरा बहुत मन था कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए जाने का। दिल्ली की सड़कें कितनी जानलेवा हो चुकी हैं, इसकी वानगी भी देखिए। एक चूक किसी की भी जान ले सकती है। कब, कहां, कौन सी सड़क बारिश में धंस जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज तक ब्यूरो। बारिश अपने साथ सियासत भी लेकर आई है। एक ओर दिल्ली में बीजेपी नेता तेजेंद्र सिंह बग्घा नाव चलाते हुए दिखे, तो वहीं दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत पानी में लोटते नजर आए। आज करनाल में जब प्रशासन के साथ किसानों की सहमति बनी तो टिकैत ने एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर का रुख किया, लेकिन यहां टेंट में पानी भर गया, जिसके बाद टिकैत की ये तस्वीर
सामने आई है। दिल्ली में भारी बारिश के बीच सियासत जारी है। वहीं बारिश ने आम लोगों का बुरा हाल कर दिया है। दिल्ली की गलियां पानी पानी है और मौसम विभाग ने कल भी बारिश की चेतावनी दी है। हर दूसरी गली सड़क मोहल्ला दरिया दिल्ली का गवाह बना हुआ है। हर बारिश में सिस्टम फेल हो जाता है। हर बार दिल्ली की बारिश का इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये जखीरा अंडरपास की तस्वीरें हैं। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद इस अंडरपास में कई फुट तक पानी जमा हो गया। एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस को तैनात करना पड़ा। जखीरा अंडरपास पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से देर रात से जो बारिश हो रही है उसके बाद से तमाम ये जो जखीरा का अंडरपास है इसमें 10-10 फुट तक पानी जो है वो भर चुका है। पूरे रूट को इस फिलहाल यहाँ से होकर गुजरने वाले तमाम राहगीरों को अब परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और पूरे एरिया को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि लोग अंडरपास की तरफ ना जाएं। नजर आ रहा है, आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अंडरपास का एक तरफ ही नहीं बल्कि दूसरा हिस्सा भी जो है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार लोगों को जो रूट है उनको डाइवर्ट कर रहे हैं कि ताकि लोग जखीरा की तरफ ना आए। जखीरा जैसा ही हाल आजाद मार्केट के अंडरपास का भी दिखाई दिया। यहाँ भी 10 फुट तक पानी जमा हो गया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इसको बंद कर दिया। अब जरा दिल्ली के तीसरे अंडरपास प्रहलादपुर का हाल भी देख लीजिए। इस अंडरपास को भी जबरदस्त पानी भर जाने की वजह से बंद करना पड़ा, लेकिन तब तक अंडरपास में कई गाड़ियां फंस चुकी थी। दिल्ली में बारिश हुई तो सड़कों पर गाड़ियों की कतारें नजर आने लगी। कुछ ही घंटे की बारिश और देश की राजधानी दिल्ली मानिए जैसे थम सी गई हो। 2.5 घंटे से जिस जाम में फंसे हुए हैं लोग। ये धौलाकुआं सड़क है जो सेंट्रल दिल्ली को एयरपोर्ट से जोड़ती है। कई सारे लोग जिन लोगों को अपनी फ्लाइट पकड़नी है वो अब राम भरोसे इंतजार कर रहे हैं और कई जगहों से वाटर लॉगिंग की भी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं। तो इससे साफ यही पता चलता है कि सिस्टम एकदम ठप हो गया है। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक ये लंबा जाम आपको नजर आएगा। अभी जो हमें समझ आ रहा है ये जाम कम से कम 3 किलोमीटर लंबा है और लोग 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इस जाम में फंसे हुए हैं। एम्स के पास भी घुटनों तक पानी जमा हो गया। तस्वीरें खुद लोगों को हो रही भारी परेशानी की गवाही दे रही हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एम्स के पास। यहाँ पर हम आपको यहाँ के हालात दिखाते हैं, जब बारिश के बाद यहाँ के क्या हालात है आप देखिए। जब आप एम्स के पास पहुँचते हैं लूप में और लेफ्ट लेते हैं, जब आपको साउथ एक्स और आश्रम की तरफ जाना होता तो यहाँ देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर पानी जमा है। क्या हालात है गाड़ियों के, यहाँ पर लोग जब पहुँच रहे हैं तो उनकी गाड़ियाँ एकदम से उनकी रफ्तार धीरे हो जा रही है। सिर्फ एक लेन एक तरफ से लोग धीरे धीरे अपनी गाड़ियों को यहां से ले जा रहे हैं और आप ये देखिए ये गाड़ी यहां पर जो पहुंची थी यहां पर वो गाड़ी बंद पड़ गई। दिल्ली का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां बारिश की वजह से पानी नहीं भरा हो। ये तस्वीरें धौलाकुआं से एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाने वाले रास्ते की है। जबरदस्त जल भराव और ट्रैफिक जाम से यहाँ लोग जूझते दिखाई दिए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से बाहर निकला जाए। जितने भी दोपहिया वाहन हैं, जितने भी चार पहिया वाहन हैं, वो इस जलभराव का शिकार हुए हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी है और इस जलभराव का क्या समाधान है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जलभराव के लिए कुख्यात सदर बाजार तेलीवाड़ा इलाके में भी भारी जलभराव हुआ। पूरी दुकान में पानी पानी हो रहा है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। दुकानों में हर बार की तरह पानी भर गया नजर आ रहा है। बाजारों में कदम रखना तक मुश्किल हो गया था। सीपी के आसपास के तमाम इलाके जलभराव की गिरफ्त में थे। पंचकुइया रोड पर भी 2 फुट तक भरा पानी सिविक एजेंसियों की पोल खोल रहा था। और ये तस्वीरें वेस्ट दिल्ली की हैं। कोई सड़क कोई कॉलोनी जलभराव की जद में आने से नहीं बच पाई। चाहे गली की सड़क हो या फिर मुख्य सड़क, हर जगह जलभराव हो गया। सड़कों पर जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी पानी भर गया है और यहां से कुछ किलोमीटर दूर मिंटो रोड पर भी पानी भर गया। पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर से लेकर भजनपुरा और नंद नगरी तक हर तरफ पानी भरा था। गाजियाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर कई फुट तक पानी दिखा। दिल्ली में शनिवार को बारिश से कई जगह हादसे भी हुए।
जैसे द्वारिका मेट्रो स्टेशन की ये दीवार ढह गई, स्टेशन को भी कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा। इसी तरह ये पुरानी इमारत जमींदोज हो गई। खतरा भी टला नहीं है, मौसम विभाग ने कल भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंकज जैन, हिमांशु मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, आज तक। मुंबई में दरिंदगी की इंतहा हो गई, हैवानियत ने दिल दहला दिया। एक महिला के साथ ऐसा बर्बर सलूक हुआ कि रूह कांप उठे। आखिरकार वेंटिलेटर पर ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया। रेप के बाद दरिंदे ने महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड से हमला किया, उसे लहूलुहान हालत में मरने के लिए छोड़ दिया। सीसीटीवी में कैद हैवानियत की ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। रात के 3:00 का वक्त है। मुंबई की एक रोड के किनारे ये दरिंदा महिला पर रॉड से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। मुंबई में इस दरिंदे ने 32 साल की महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। कैमरे में कैद तस्वीर के मुताबिक ये दरिंदा काफी देर तक महिला के साथ इसी तरह वैशीपन के साथ वार करता रहा। इस दरिंदे ने महिला के साथ रेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर लोहे की रॉड से कई बार हमला किया। खून से लथपथ महिला को यह दरिंदा एक टेम्पो में फेंक कर भाग गया। राहगीरों ने पुलिस को खबर की, इसके बाद बेहद गंभीर हालत में उसको अस्पताल ले जाया गया। कई घंटों तक ये महिला मौत से जूझती रही, आखिर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 32 साल की महिला की हालत बेहद गंभीर थी, उसकी कुछ सर्जरी भी की गई, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि उसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना भी मुमकिन नहीं था। आखिर करीब 12 बजे उसने दम तोड़ दिया। इस घटना का इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर में पूरा किया जाएगा और ऑनरेबल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इनके आदेश के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट भी काम शुरू कर देंगे और वहां पे इस गुनाह का जुडिशियल ट्रायल चलेगा। इससे पहले मुंबई के मेयर किशोर पेडणेकर ने भी अस्पताल जाकर पीड़ित के बारे में जानकारी ली। जिस नागरिकों ने फोन किया वो कह रहा था कि कुछ झगड़ा चालू है, तो मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए बहुत ही जो हमारे पुरुष है उनमें क्रूरता बहुत बढ़ रही है। ऐसी क्रूरता क्यों बढ़ती है? और जो जिस तरह की उनकी हालत थी, प्राइवेट पार्ट उसका बहुत ही डिस्टर्ब था, उसकी आथड़ी क्या बोलते हैं उसको, वो सब बाहर आई थी, ब्लड बहुत ही लॉस हुआ था, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत था। इस घटना के बाद मुंबई की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। बीजेपी ने 3 घटनाओं का हवाला देकर उद्धव सरकार पर हमला बोला। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दरिंदगी के आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज उसके खिलाफ सबसे दमदार सबूत है। इसमें वो महिला को टेम्पो में फेंकने के बाद 7 मिनट तक टेम्पो में रहा और फिर फरार हो गया। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।